आपको मैं ओवरव्यू दे दूं कि जेंडर स्टडीज है क्या। जेंडर स्टडीज एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट है और जेंडर स्कॉलर है, वो कहते हैं कि जेंडर स्टडीज एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो ये एग्जामिन करता है कि जेंडर की सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्शन कैसे हुई हुई है और उसके इंडिविजुअल्स के ऊपर और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप हैं सोसाइटी के ऊपर किस तरह से ये इम्पेक्ट करती है। जूडिथ लॉर्बर इसको जिसकी हम बुक्स का ओवरव्यू भी लेंगे, उनका ये कहना है कि जेंडर स्टडीज क्या है, इट इज़ ए स्टडी ऑफ सोशल एंड कल्चरल कंस्ट्रक्शन ऑफ मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी एंड द इम्पैक्ट दिस कंस्ट्रक्शन हैव ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। कि एक सोशल स्टडी है कि मैस्कुलिनिटी की और फेमिनिटी की किस तरह से सोशल और कल्चरल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है और उनका इंडिविजुअल्स के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर किस तरह से उनका इम्पैक्ट है। ठीक हो गया। उसके अलावा एक जनरल सी डेफिनेशन जो आपके सामने है वो ये है कि एक इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड जेंडर स्टडीज जिसका फोकस किसके ऊपर होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, किस तरीके से कि सोशली किस तरह कंस्ट्रक्टेड है और कल्चरली किस तरह से कंस्ट्रक्टेड है। आप यकीन करें, आप जितना भी कोर्स पढ़ते जाएंगे अगर आपको ये बेसिक डिबेट समझ में आ गई कि ये है क्या, किसके अराउंड रिवॉल्व होता है, आपको बहुत फायदा होने वाला है। अच्छा, पहले हम देखते हैं कि इस सब्जेक्ट का हिस्टोरिकल इवोल्यूशन हम थोड़ा देखते हैं। अब 1960 से पहले, अब ये काफी बार सवाल भी आता है, एमसीक्यूज भी आता है कि पहले जेंडर स्टडीज आई या विमेन स्टडीज आई। तो पहले विमेन स्टडीज एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन स्टार्ट हुआ था और उसके बाद 1960 के अंदर इसकी इमर्जेंस होती है। अच्छा, इमर्जेंस क्यों होती है, उसकी वजह है सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। क्योंकि पहले जो सोशल साइंस के सब्जेक्ट्स थे उन्होंने मोस्टली जेंडर को इग्नोर किया हुआ था। ठीक हो गया, उन्होंने जेंडर को इग्नोर किया हुआ था तब तक 1960 के अंदर। इनिशियल जो स्टेट स्टडीज थी और जो लोग उन्होंने पढ़े थे जिसके अंदर डिस्कस किए थे वो मोस्टली मैन थे, जिस तरह पेड वर्क हो गया, पॉलिटिक्स हो गया। उसके अलावा जो डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे मैन और वुमेन के दरमियान, इनको एज अ सोशियोलॉजिकल कंसर्न की तरह नहीं रिकॉग्नाइज किया कि ये भी कोई हमारे लिए कंसर्न है और इसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। जब सेकेंड वेव फेमिनिस्ट आती है, जब उस वो क्रिटिक करती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, फिर आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती है और ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर है इसके ऊपर क्या होती है, अटेंशन इंक्रीज होती है। शुरू में जो स्टडी हुई थी वो फोकस इसी बात के ऊपर था कि जो गैप है विमेन और मैन, इस गैप को हमने फिल करना है। और उसके बाद अटेंशन ग्रेजुअली क्या होती है, मूव होती है, क्योंकि देखें ना, सोसाइटी हमेशा इर्तका के अंदर चलती है, तरक्की पजीर होती है। किस तरह से सोसाइटी को जब हम रिकग्नाइज करते हैं, चीज़ों को एवेल्यूएट करते हैं, तो उसके अंदर बाद में चेंजेस आती हैं। तो फिर उसके बाद विमेन के ऊपर स्पेशली जो पेड वर्क है, हाउस वर्क है, मदरहुड डेज के ऊपर फोकस किया गया। और फिर फर्स्ट टाइम 1980 के अंदर कैंट ब्रिटिश के अंदर विमेन स्टडीज का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, उसके बाद न्यूयॉर्क के अंदर, और फिर 1980s में हम देखते हैं कि मेंस फेमिनिज्म भी स्टार्ट होता है, और उसके बाद अभी हम रिसेंट देखते हैं कि मेंस डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। गोल ये है कि हमने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है, एनालाइज करना है कल्चर प्रैक्टिसेस को और उन ट्रेडिशनल नोशंस को जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड जेंडर। ठीक है, सेक्सुअलिटी के अराउंड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन के अराउंड, एज वेल एज अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ जेंडर इज एन इन्फ्लुएंशियल फैक्टर इन पीपल्स लाइफ फ्रॉम अ सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। यहां तक क्लियर है? तो अच्छा, अब मैं डायरेक्ट आता हूं आपके सवाल के ऊपर, उमूमन के ग्लोसरी क्यों पढ़नी चाहिए, किसी सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैंने कल भी एग्जांपल दी थी कि अगर मैं पंजाबी हूं या मैं पश्तून हूं या मैं बलोच हूं या सिंधी हूं, और सामने वाला बंदा भी किसी और कास्ट से है, किसी और लाइक कौम से है, हमारे बीच में कोई वे नहीं है कम्युनिकेशन का जिससे हम अपने आइडियाज को मजीद क्लियर वे के अंदर बयान कर सकें।
तो इसी तरह से होता है, जब आपने जेंडर स्टडीज को ऑप्ट किया है योर ऑप्शनल, तो ये डायरेक्ट क्लू जाता है एग्जामिनर को कि आप उसके सब्जेक्ट के अंदर वेल वर्स्ड होंगे, आपको उसकी टर्मिनोलॉजी को का आइडिया अच्छी तरीके से होगा। सबसे पहली बात यह है कि जब आप किसी ग्लोसरी को पढ़ते हैं किसी भी सब्जेक्ट की, तो आप उस डिसिप्लिन की जो वोकेबलरी होती है उसको आप आइडेंटिफाई करते हैं, और ये इंश्योर करते हैं कि आपको उस डेफिनेशन का सोर्स क्या है, उसका मतलब क्या, वो आता है। उसके अलावा आप एडेप्ट हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाते हैं कि वो वोकेबलरी किस तरीके पर, कहाँ पर, किस जरिए से हमने इस्तेमाल करनी है। मिशेल फूको ने अपनी किताब द बर्थ ऑफ क्लिनिक में लिखा था कि द वे वी कैटेगराइज एंड डिफाइन थिंग्स हैज अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द वे वी अंडरस्टैंड एंड परसीव देम। जब हम चीजों की कैटेगराइजेशन करते हैं, जब हम डिफाइन करते हैं कि ये चीज इस चीज को बयान करती है, ये चीज इस चीज को कन्वे करती है, तो उसका एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट जाता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली, जो ग्लॉसरी होती है वो आपकी प्रेसियंस समरी राइटिंग के अंदर भी हेल्प आउट करती है। जिस तरह से लास्ट टाइम 2022 के अंदर प्रेसी आई थी, उसके अंदर पूछा गया था हेलेनिज्म का, ग्रीक गॉड का, तो अब हेलेनिज्म भी खुद एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के अंदर ग्रीक मिथोलॉजी को कहते हैं। तो जब आप किसी खास सब्जेक्ट की स्टडी को पढ़ते हैं, जिस तरह लास्ट टाइम सवाल आया हुआ था, मैंने अपने स्टूडेंट्स को दिया था कि जेंडर इज डूइंग एक्सप्लेन, ठीक है, तो ये जब आप इस तरह की टर्मिनोलॉजी को आप इस्तेमाल करते हैं, सीखते हैं, तो इसका बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू जाता है। और जब ये हम आज पढ़ लेंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा, जब हम नेक्स्ट टाइम वो वर्ड यूज कर रहे होंगे तो हमें पता होगा कि ये चीज क्या है। तो जो पहली हमारी है ग्लोसरी के अंदर वो है, और ये जो आप मैंने आपको जितने भी पढ़ा रहा हूँ, ये सारे जो पिल्चर एंड एमेल्डा विलहन का किताब है की 50 की कॉन्सेप्ट इन जनरल स्टडीज, 50 की कॉन्सेप्ट वहां से सारे लिए गए हैं। तो आप अपने पेपर के अंदर जब लिखेंगे तो आप इसका रेफरेंस दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज आपको हेल्प आउट होगी। और मेरा मकसद यही है। आवाज क्लियर नहीं आ रही मेरी आपको? अच्छा, मोहम्मद दर्श साहब, शायद आपका इंटरनेट का मसला होगा। अच्छा ठीक है। अब एंड्रोसेंट्रिसिज्म क्या है, या एंड्रोसेंट्रिज्म, सॉरी, आपने अभी 2022 का हर किसी ने पेपर देखा होगा, उसमें लास्ट ऐसे था बॉयज विल बी बॉयज, याद है आपको? एंड्रोसेंट्रिज्म का मतलब ये है, लिटरली इसका मतलब है कि डॉक्ट्राइन ऑफ मेल सेंटर्डनेस। आप ऐसी प्रैक्टिसेस माशरे के अंदर हो जहां पर जो मैन जो प्रैक्टिसेस करता है, जो मैन जिस तजुर्बा से गुजरता है, उसको आप जनरलाइज कर लेंगे। मतलब आप क्या करें कि मैन जिस पर्सपेक्टिव से देखता है, मैन जिस तरीके से चीजों को एनालाइज करता है, जिस तरीके की प्रैक्टिस करता है, दैट इज नॉर्मल। बेटी फ्राइडन ने या सेमन डी बेवर ने एक बात कही थी, जब अमेरिका के अंदर 1930 वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जब वो गए थे जंगों के ऊपर, तो उसने एक जुमला कहा था कि दे ड्रीम थ्रू द ड्रीम्स ऑफ मैन, कि जो विमेन थी उन्होंने सोचा, पर किसके जरिए सोचा, कि इन ख्वाब उन ख्वाबों को जरिया बनाकर सोचा, दे ड्रीम थ्रू द ड्रीम ऑफ मैन। हम इसका मतलब सिंपली ये है कि विमेन के जो एक्सपीरियंस है वो भी अंडर द सुपरविजन या अंडर द प्रिज्म ऑफ मैन एक्सपीरियंस को हम जज करते हैं, और जो तजुर्बात जो एक्सपीरियंसेस मैन के हैं उनको हम जनरलाइज कर देते हैं। ठीक हो गया? तो सिंपली क्या है, द सेंटरिंग एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ मैन एंड मैन पर्सपेक्टिव। और बॉयज विल बी बॉयज में क्या है कि बॉयज अग्रेसिव हैं, उन वो मैस्कुलिन है, वो अग्रेसिव है, वो कुछ भी कर सकते हैं, दैट्स व्हाई बॉयज विल बी बॉयज। अगर और अब उनकी अग्रेसिवनेस और उनकी ये नेचर, इसको हमने नॉर्मलाइज किया हुआ है। अगर बॉयज रात को 2 बजे किसी बाहर कहीं पर खेल रहे होते हैं तो दे आर डूइंग अ नॉर्मेटिव बिहेवियर, बट एट द सेम टाइम अगर कोई गर्ल इस तरह करेगी दैट वुड बी डेवियंट बिहेवियर। ठीक है? तो आप क्या करते हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं। उसके बाद द डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर, इससे क्या मतलब है? द डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर
बिल्कुल इसके अंदर जेंडर स्पेशलाइजेशन आती है कि किस तरह से उनकी आइडेंटिटीज को बिल्ड किया जा रहा है, किस तरह से वो स्पेशलाइज हो रहे हैं। अच्छा, द डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर रेफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क नेसेसरी फॉर द ऑन गोइंग मेंटेनेंस ऑफ अ डोमेस्टिक होम एंड ऑफ द पीपल हु लिव इन इट। सिंपल ये है कि हमने क्या किया है, घर के अंदर जो मेंबर्स हैं हमने कहा फीमेल्स का ये रोल है, उनको ये काम दे दिए हैं, मर्द को ये काम दे दिए हैं, ठीक हो गया। उसके अलावा हिस्टोरिकली देखें कि वो सारे जो डिफरेंसेस जो एग्जिस्ट करते आ रहे हुए हैं, कौन से रोल किसका है, किसका रोल किसका है, विमेन के रोल क्या है कि भाई वो क्या है, चाइल्ड बियरर हैं, वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगी फैमिलीज को, अपने बच्चों को, मर्द जो है वो जो पब्लिक स्पेयर है उसके अंदर जाकर ब्रेड विन करेंगे, अर्न करेंगे चीजें। तो ये जो हमने डिवीजन की हुई है तो कहते हैं डोमेस्टिक डिवीजन ऑफ लेबर। अच्छा, उसके बाद है इक्वालिटी। अब सिंपली यही कि बराबरी, कंडीशन ऑफ बीइंग द सेम, किस रियल्म के अंदर, इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस और लीगल। अब हिस्टोरिकली क्या था, जब तक लेट 19 से पहले हर स्फीयर के अंदर मैन की डोमिनेंस थी। अर्ली लेट 19 और अर्ली 20 सेंचुरी में हम देखते हैं कि इक्वल राइट्स फेमिनिस्ट कैंपेन स्टार्ट होती है और विमेन अपने की राइट्स और प्रिविलेज के लिए लड़ती हैं। लेट 20th में क्या होता है कि कुछ लेजिस्लेशन पास होती हैं जिसके अंदर आपका सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट स्टार्ट होता है, इक्वल पे एक्ट इनिशिएट होता है। फिर डिबेट्स चलती हैं इक्वलिटी के बारे में कि डज द अचीवमेंट ऑफ इक्वलिटी रिक्वायर द प्रोविजन ऑफ इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी और डज इट मीन सिक्योरिंग इक्वलिटी ऑफ आउटकम। के इक्वलिटी को अचीव करना इसका मतलब यही है कि हर किसी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर इक्वलिटी यही है तो फिर उनके दरमियान नेचर ऑफ इक्वलिटी क्या होगी और स्टैंडर्ड क्या होगा जिसके जरिए जेंडर इक्वलिटी जज की जाएगी। तो ये जो सारी बैटल है ये स्टार्ट होती है सेनेका फॉल कन्वेंशन से, 1848 से, और फिर इन डिमांड्स की, इन सवालों की जो नेचर है वक्त के साथ साथ तब्दील होती है। जब हम फर्स्ट टाइम देखते हैं हिस्ट्री के अंदर तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट टाइम जो विमेन थी वो सिर्फ अपने जो पॉलिटिकल राइट्स हैं उनकी डिमांड कर रही हैं, कि सिर्फ उनको ये लगता था कि अगर उनको पॉलिटिक्स के अंदर हक मिल गया, वो वोटिंग राइट मिल गया तो उनके मसाइल हल हो जाएंगे। फिर आगे चलते हैं वो कहते हैं नहीं, अगर उनके जो बर्थ राइट हैं वो मिल जाएंगे वो हल हो जाएंगे। फिर इस तरह से ये जो इक्वलिटी की जो जंग है ये चलती रहती है। उसके बाद है एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिज्म क्या है, एसेंशियल का सिंपली मतलब है कि बुनियादी जुज, व्हाट इज एसेंशियल, वहां से निकला एसेंशियलिज्म। एसेंशियलिस्ट जो हैं, स्कॉलर हैं, वो ये कहते हैं कि जो जेंडर है वो बायोलॉजिकल डिटरमिंड है, जबकि सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म वाले ये कहते हैं कि जेंडर कल्चरल और सोशल नॉर्म्स की प्रोडक्ट है। जेंडर वजूद में तब आता है बिकॉज ऑफ द सोशल नॉर्म्स एंड कल्चरल नॉर्म्स। मिसाल के तौर पर एसेंशियलिस्ट ये कहेगा कि विमेन नेचुरली मोर नर्चरिंग है और इमोशनल है देन मेन, मगर कंस्ट्रक्शनिस्ट जो होंगे वो ये कहेंगे कि नहीं, विमेन को जो नर्चरिंग वाला रोल दिया गया ये सोसाइटी ने दिया है, सोशल कंस्ट्रक्शन है। और एसेंशियलिज्म जो सबसे पहले आइडेंटिफाई जिसने किया था वो सेकेंड वेव फेमिनिस्ट ने किया हुआ था, एज द मोड ऑफ थिंकिंग दैट अज्यूम्स दैट ऑल मैनिफेस्टेशन ऑफ जेंडर डिफरेंस आर इननेट एंड ट्रांसकल्चरल एंड हिस्टोरिकल, कि जितनी भी मैनिफेस्टेशन है जेंडर के हवाले से वो सारी इननेट है। उसके बाद आपको मैं, जब हम रेडिकल फेमिनिज्म पढ़ेंगे तो हम डिबेट में जाएंगे कि लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट और कल्चरल फेमिनिस्ट। लिबर्टेरियन फेमिनिस्ट जिसमें शुलामित फायरस्टोन आती है, वो कहती हैं कि भाई मसला ये है कि जो वेमेन की बायोलॉजिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसको मेल एक्सपोलाइट करता है। तो ये हम बाद में डिस्कस करते हैं। बेसिक डिफरेंस यही है कि एसेंशियलिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि जेंडर बायोलॉजिकली डिटरमिंड है, सोशलिस्ट कहते हैं कि नहीं, ये कल्चरली डिटरमिंड है। उसके बाद जेंडर क्या है, जेंडर इज अ सोशली कंस्ट्रक्टेड कैटेगरी
बिल्कुल, हम इसको शाजे भाई इसी तरह से भी कह सकते हैं कि ये चीजें सारी इननेट है, नेचुरल एबिलिटी है, ठीक है, और वो वक्त के साथ साथ उसको उसके अंदर चेंजेस आ रही है, मगर ये बेसिक जो चीजें हैं, नर्चरिंग वाली क्वालिटी, इमोशनल बीइंग, ये सारी कुछ, ये सारी नेचुरल हैं और बायोलॉजिकली हैं, ठीक है। तो जेंडर क्या है? सोशली कंस्ट्रक्ट कैटेगरी है जो रेफर करता है उन एटीट्यूड्स को, बिहेवियर्स को और एक्सपेक्टेशंस को जो बीइंग मेल और फीमेल के साथ एसोसिएट की जाती हैं। मिसाल के तौर पर, अब घर के अंदर आपका बड़ा भाई है, अम्मी है, बहन है वगैरह, अब जो वो एटीट्यूड्स का उनके अंदर है, जो बिहेवियर वो परफॉर्म कर रहे हैं, और जो बिहेवियर को हम उनके साथ जब एसोसिएट करते हैं, तो वो जो बिहेवियर वो अडॉप्ट करते हैं, जिनकी प्रैक्टिसेस करते हैं, दैट इज जेंडर। और ये सारी चीजें, जेंडर क्या है? सोशल कंस्ट्रक्शन है। और जेंडर जो रोल है वो जाहिर सी बात है हर कल्चर के हिसाब से, टाइम के हिसाब से वेरी करते रहते हैं। अच्छा, साइमन डी बोए कहती हैं अपने किताब सेकंड सेक्स के अंदर, जब बात करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन की किस तरह से, तो उसने बड़ी प्यारी बात कही थी कि वन इज नॉट बोर्न बट रादर बिकम्स अ वूमन, कि कोई भी वोमन पैदा नहीं होता बल्कि क्या होता है, उसको बनाया जाता है। अब इस बनाए जाने से मुराद ये है कि देखें, इसेंशली तो बायोलॉजिकल कुछ फिजिकल फीचर्स है ना, जो दो शख्स के अंदर, दो अशखास के अंदर वो नेचुरल चीजें बिल्ट हैं, मगर जो वो रोल परफॉर्म करते हैं, बाद में जो हम नाम उनको देते हैं, उससे उनका हम जेंडर डिफाइन करते हैं। दैट्स व्हाई द सोशल कंस्ट्रक्शन बिलीव दैट जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। ठीक हो गया? उसके बाद जेंडर्ड क्या है? लास्ट टाइम हमने सवाल भी किया था कि लैंग्वेज इज जेंडर्ड, व्हाट डस दिस इंप्लॉय, इसका क्या मतलब है? तो सिंपली जेंडर्ड का मतलब यह है कि जब किसी भी करेक्टर को हम उसके मैस्कुलिन होने से या फेमिनिन होने से जोड़ें। समथिंग इज जेंडर्ड व्हेन इट्स करेक्टर इज इधर मैस्कुलिन और फेमिनिन, और व्हेन इट एग्जिबिट्स पैटर्न्स ऑफ डिफरेंस बाय जेंडर। सपोज करें ना, पिंक और ब्लू जेंडर्ड कलर्स हैं, किस तरह से मोस्टली अगर कोई शख्स पिंक पहन के आता है तो हम क्या कहेंगे, ये लेडीज कलर है, या दिस इज अ कलर दैट एज वॉर्न बाय विमेन या गर्ल्स, और ब्लू है या ये है तो वो उसको मैस्कुलिन का देते हैं। ठीक हो गया? पेड वर्क भी एक जेंडर्ड इंस्टीट्यूशन है, जिसके अंदर मैन एंड विमेन वो क्या करें, डिफरेंट फॉर्म्स एडॉप्ट करते हैं ऑफ पेड वर्क। विमेन को ये सोचा समझा जाता है कि उन ख्याल से वो कम काम करेंगी पार्ट टाइम, विमेन जो मैन होंगे वो ज्यादा काम करेंगे। उसके अलावा डिफरेंट पेड वर्क हैं कि विमेन सिर्फ नर्सिंग करेंगी, टीचिंग करेंगी, नर्चरिंग करेंगी। तो ये इंस्टीट्यूशन के अंदर भी ये चीज जेंडर्डनेस या जेंडर आ जाती है। बिल्कुल। अच्छा, देन जो सेकंड हमारा है जेंडर ऑर्डर, आपने वर्ल्ड ऑर्डर सुना होगा, आपने इकोनॉमिक ऑर्डर सुना होगा, आपने लिबरल ऑर्डर सुना होगा, जेंडर स्टडीज में आप जेंडर ऑर्डर भी सुनेंगे। अब जिस तरह से हर एक सिस्टम का अपना ऑर्डर होता है, तो जेंडर ऑर्डर क्या है? अच्छा, इसका आप, मैं आपको बताता हूँ, आपको बताता हूँ। अच्छा, जेंडर ऑर्डर क्या है? जेंडर ऑर्डर इज अ पैटर्न सिस्टम ऑफ आइडियोलॉजिकल एंड मटेरियल प्रैक्टिसेस परफॉर्म बाय इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी थ्रू विच पावर रिलेशंस बिटवीन विमेन एंड मैन आर मेड एंड रीमेड एज मीनिंगफुल। कि वो आइडियोलॉजिकल और मटेरियल प्रैक्टिसेस हैं जो परफॉर्म कौन करता है, इंडिविजुअल्स करते हैं। अब ये फर्स्ट टाइम जेंडर ऑर्डर डेवलप किया था जिल मैथ्यूज ने अपने एक स्टडी के अंदर, हिस्टोरियल कंस्ट्रक्शन ऑफ फेमिनिटी। अच्छा, अब वो कहती है कि इट इज थ्रू द जेंडर ऑर्डर ऑफ सोसाइटी दैट फॉर्म्स और कोड्स ऑफ मैस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिटीज आर क्रिएटेड। अब इस फॉर्म्स और कोड्स के थ्रू पूरा एक साइकिल है जिसके जरिए क्या होती हैं, ये जो आइडेंटिटीज हैं इनकी क्रिएशन होती है। वो अपना एक एनालॉजी देती है, जिस तरह से कोई एक सिस्टम होता है, जिस तरह से या सिस्टम एक कम्युनिस्ट होगा या फ्यूडल होगा या कैपिटलिस्ट होगा, इसी तरह से जेंडर का भी अपना एक ऑर्डर होगा।
अच्छा, उसके बाद है जेंडर सेग्रीगेशन। अब जेंडर सेग्रीगेशन क्या है, तब होती है जब विमेन और मैन दोनों को अलग अलग तरीके सेपरेटली लोकेट किया जाए। मिसाल के तौर पर कुछ कॉलेजेस यूनिवर्सिटी होती हैं को एजुकेशन, कुछ होती हैं सिंगल सेक्स कॉलेजेस यूनिवर्सिटी होती हैं, ठीक है। इस हवाले से भी हो सकता है कि विमेन को अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं और बॉयज को या मैन को अलग सब्जेक्ट पढ़ाए जाएं। पेड वर्क के अंदर भी जेंडर सेग्रीगेशन हो सकती है, ठीक है। तो जेंडर सेग्रीगेशन का मतलब ये है कि दो जो बॉयज गर्ल्स या मैन एंड वीमेन को अलग तरीके से ट्रीट किया जाए और उनको अलग तरीके ये प्लीज ये जो फरहान भाई ये थोड़ा मार्कर यूज ना करें, मुझे इसका थोड़ा सही अंदाजा नहीं है। अच्छा, उसके अलावा कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स हैं की कॉन्सेप्ट्स। अच्छा, जेंडर मैन स्ट्रीमिंग। अब जेंडर मैन स्ट्रीमिंग क्या है कि ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम ये इंश्योर करवाने की कोशिश करते हैं कि मैन और विमेन दोनों को इक्वल एक्सेस हो रिसोर्सेज के ऊपर, डेवलपमेंट बेनिफिट्स हो दोनों को, दोनों को डिसीजन मेकिंग के अंदर इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए और जितना भी डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उसके अंदर दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। अब ये एक यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है, उसका उसकी एक अप्रोच है अपनी। वो कहते हैं कि पहले क्या हो, कंटिन्यूस असेसमेंट हो इम्प्लीकेशन की, उसके बाद हमने क्या करना है, डिजाइन करना है और इम्प्लीमेंट करना है उन स्ट्रेटजीज को और उन एक्शंस को, और थर्ड पे हमने एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि जिसके जरिए हम ये इंश्योर कर सकें हायर अथॉरिटीज को कि जो हमारा टास्क था उसके ऊपर हम मुकम्मल हमने काम कर लिया है। अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ, जब आप कोई भी सवाल अटेम्प्ट कर रहे हो और उसके अंदर बताए कि भाई इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या चाहिए, तो उधर आप ये भी अडॉप्ट कर सकते हैं कि जेंडर मैन स्ट्रीमिंग को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवाया जाए ताकि दोनों मर्द और औरत दोनों को रिसोर्सेज के अंदर, डेवलपमेंट बेनिफिट्स के अंदर, डिसीजन मेकिंग के अंदर इक्वल एक्सेस हासिल हो। उसके बाद जेंडर इक्वलिटी को मैंने आपको बता दिया, जेंडर इक्विटी क्या है। अब इक्वलिटी का मतलब ये है कि भाई हर जगह पर मैन और वीमेन दोनों को इक्वल एक्सेस हो। इक्विटी से मुराद ये है कि आप जब बेनिफिट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो उसके अंदर फेयरनेस हो। आपको मैं सिंपल एनालॉजी